ਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਪਾਗੁਰ ਰਾਇਆ ਦਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਦੁਬਈ ਗਿਆ। करीब 20 तो 25 दिन पहला उत्थों भेद भरे हालातों चो लापता हो गया। 29 जुलाई में जदों दुबई की एक कंपनी वालों उसके घरदियां नूं फोन आया कि तुहाडे लड़के की हार्ट अटैक नाल मौत हो गई है, तो बेटे की मौत का गम ना सहारते हुए बलजिंदर की माँ की भी मौत हो गई। माँ पुत की मौत मगरों पिंड विच सोग की लहर दौड़ गई है। दूजे पासे परिवारिक मैंबरों वालों बलजिंदर जिस कंपनी विच काम करता सी उस डिस्कवरी कंपनी के उच्च अधिकारियों उत्ते भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे ने। परिवारिक मैंबरों का कहना है कि बलजिंदर सिंह 12 जुलाई तो लापता सी, उस दे नाल किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा सी। जदों उन्हां बलजिंदर दे नाल रहन वाले कुछ साथियों दे नाल गलबात की तो उन्हां दस्या कि वह कमरे विचों गायब है तो उसका समान उत्थे पिया होया है। परिवारिक मैंबरों वालों आरोप लगाया गया है कि इस बाबत जदों उन्हां वालों कंपनी के अधिकारियों के नाल गलबात की गई तो उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिता। उन्होंने यह आख के टाल दिता कि सानू लगता है कि बलजिंदर किधरे चला गया। समाज सेवी SPS ओबराय दे नाल गलबात मगरों इलाके च जदों बलजिंदर दी गुमशुदगी बाबत पोस्टर लगाए गए तो 29 तरीक नूं कंपनी दे एक अधिकारी वालों फोन ते दस्या जांदा है कि बलजिंदर दी हार्ट अटैक दे नाल मौत हो गई, जिस तों बाद उन्हां वालों एक सर्टिफिकेट भी भेजा जांदा है जिस उत्ते मौत दी तरीक 13 जुलाई दसी जांदी है। परिवारिक मैंबरां ने बलजिंदर दी शनाख्त तों बगैर उसकी लाश लैण तों साफ इनकार कर दिता है। मामले की निरपक्ष जांच करवाउण दी पंजाब सरकार केंद्र सरकार अते MP संत सीचेवाल तो उन्हां गुहार लगाई है। परिवारिक मैंबरां दा कहना है कि कंपनी वालों सानू गुमराह किया गया है, उन्हां दे खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए तां जो किसी होर दा भविख खतरे विच ना पवे। उन्हां इह वी कहा कि सानू अजे तक पूरा यकीन नहीं कि बलजिंदर जिंदा है। मेरा नाम मनजीत कौर, मैं पिंड भागर आई हां। तो हां जी, मैं जो दुबई विच बलजिंदर सिंह आबू धाबी विच गए सी, मैं उन्हां दी सिस्टर बोल रही हां जी। मैं ये कहना चाहनी हाँ कि पहला तो उन्होंने आबू धाबी के जो डिस्कवरी कंपनी के कैंप बॉस है उन्होंने सानू पहला कुछ किया सीगा, पर हुण वो सानू कुछ कह रहे हैं, अपने बयान तो थिड़कते जा रहे हैं। पहला तो कहिंदे सी तुहाडा बंदा आप गया वा साडे कैंप विचों, तो सानू नहीं पता हैगा जे हॉस्पिटल हुंदा तां वी रिपोर्ट सानू आउणी सी खबर, जे पुलिस स्टेशन हुंदा तां वी सानू खबर आउणी सी। पर अज ओह 29 जुलाई नूं आके सानू इह कह रहे ने कि तुहाडे मुंडे दी डेड बॉडी हॉस्पिटल विच पई है। जे ओह डेड बॉडी दा इह वी कहिंदे ने कि 13 जुलाई दा उहनूं उत्थे अटैक होया वा, जे उस हॉस्पिटल विच 13 जुलाई दा उहनूं अटैक होया तां हॉस्पिटल वालिआं ने उदों दा क्यों नहीं सी इहनां नूं कॉल कीती हैगी, इहनां क्यों नहीं सानू दस्सिआ, क्योंकि असीं 19-20 जुलाई तो बाद असी मीडिया राही गुहार लाई आ, जो कि मीडिया ने ही जाके उन्होंने कंपनी वालों से भी दबाव पाया वा। इस मीडिया वालों के दबाव सदका उन्होंने ये सानू मानगढ़ तो हुण गल्लां ये दसियां वा कि तुहाडे ब्रदर की हार्ट अटैक नाल उत्थे मौत हो चुकी है। उन्हां दी सानू भी पता लगा भी 27 जुलाई नूं उत्थे उन्हां दी डेड बॉडी पई है, तो 29 नूं सानू फोन किया वा डेड बॉडी उत्थे पई है, पर यह एक मनघड़त डेड बॉडी बनाई गई है, जो कि साडे तो सिर्फ एक कहिंदे आ भी असीं खहिड़ा छड़ाईए इन्हां तो, इन्हां नूं किसे दी भी डेड बॉडी देख के असीं खहिड़ा छड़ाईए। जे असीं उन्हां नूं इह कहिंदे आ कि इहदी शनाख्त कीती जावे, इस डेड बॉडी की शनाख्त करके असीं डेड बॉडी लैणी आ, तो कह रहे आ पंजाब निगा तुहाडा भी असीं इहनूं शनाख्त करके तुहानूं देईए, पर फिर शनाख्त तों बगैर असीं किद्दां उस डेड बॉडी नूं स्वीकार करिए। जे असीं स्वीकार अज कर लैणी उह किसे होर दी डेड बॉडी आ, ते उह कागजी कारवाइयां दे विच उह सानूं डेड बॉडी दे के ते साडे मुंडे दे विच कागजां विचों खत्म होदा ना कर देणगे, ते ना जाने उह महीने बाद दो महीने बाद किते शायद जेल विचों जां कितों भी आ जाए, तो उह फिर इंडिया वापस नहीं आ सकता, क्योंकि असीं जे डेड बॉडी लैणी है तां शनाख्त करके लैणी है, नहीं तां असीं उह डेड बॉडी किसे दी नहीं लैणी हैगी, क्योंकि उह इक गलों गुलामा लाउणा चाहुंदे आ। इह वी सिर्फ तां गलों गुलामा लाउणा चाहुंदे क्योंकि ਸਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ SPS ਓਬਰਾਏ ਸਰਾਂ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੇ ਲਵਾਏ ਗਏ ਆ,
कंपनी वालों थोड़ी जी हिल जुल हुई है ते उन्हां ने इस विग दे विच जाके उन्हां ने अपने रबाब दे नाल मिल के मनगढ़ंत गल्लां बना के ते हुण एक डेड बॉडी की तां कीदी हैगी कीदी नहीं उह खड़ी करके साडे सिर पाउणा चाहुंदे लेकिन असीं उह डेड बॉडी शनाख्त तों बगैर नहीं लैणा चाहुंदे असीं डेड बॉडी नहीं लैणी क्योंकि 29 जुलाई नूं जदों इन्हां ने डेड बॉडी दा नां सानूं दस्सिया कि तुहाडे बच्चे दी उत्थे डैथ हो गई आ पर इस गल दा सदमा मेरी मां नूं बहुत ज्यादा लगा क्योंकि उह पहलां ही हार्ट दे पेशेंट सन पर जदों उन्हां नूं इस गल दा पता लगा कि मेरे बच्चे दी उत्थे मौत हो चुकी है उन्हां दे दस्सण मुताबक हार्ट अटैक दी ते 31 जुलाई की रात को मेरे माता जी भी हार्ट अटैक ना पूरे हो गए ने साडा घर बर्बाद सिर्फ उस डिस्कवरी कंपनी के मालकां ने किया आ क्योंकि एक तो साडा अगे उत्थे लापता बंदा पता नहीं केड़े हाल विच हैगा किदा हैगा नहीं पता एक मैंबर वो साडे तो गवाचा फिरदा दूजा मैंबर साडा अज गुम हो गया जो कि मेरे माता जी इस परिवार के मुढ़ सन ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਬਈ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦੁਬਈ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇਹ ਘਰ ਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ घटो घट नी चार पांच वारी दुबई च गया पता नहीं इन्हां दे कोल गया हैगा पहला कि किदां घटो घट नी मतलब उहनूं 8-10 साल हो गए उस दुबई विच रहिंदिआं नूं विचों कट करके मतलब छुट्टी आ जांदे सी फिर साल बाद चले जांदे सीगे हुण 10 महीने हो गए सी इसे ही कंपनी विच सीगे ਭਾਟੀਆ ਸਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਲਾਂਗੇ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਡਿਸਕਵਰੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮਨਗੜਤ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਡ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਵਰਡ ਹੋਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਵਰਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁਣ SB ਅਬਰਾਏ ਸਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਜੀ ਸਕੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਇਹ ਕਰੀਬ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਲਾਗੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਮਨ ਘੜਤ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਹੀ ਸਦਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ ਚਾਚੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਰਾਸਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ बड़ी मेहनत नाल तुहानूं पता ही आ बच्चे बाहर भेजने यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।